हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में। आज हम करने जा रहे हैं रेशन फंक्शन पे थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम अटेम्प्ट करेंगे फंक्शन को। इससे पहले सभी बेटा चैनल को सब्सक्राइब और हर वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आए। ओके, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज फंक्शन फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई। ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एवरी एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ एंड इट इज रिटन एज एफ ऑफ एक्स वाई। दस ए सबसेट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देर इज ए यूनिक इमेज या यूनिक वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। या सेकेंड लैंग्वेज में क्या कहेंगे, नॉट टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव फर्स्ट सेम फर्स्ट कंपोनेंट। दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम में नहीं होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ओके, या इन द कोरस्पोंडेंस ऑफ ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम इमेजेस एंड प्री इमेजेस। दस यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई इज सेड टू बी इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स ऑफ एक्स फ्रॉम द फंक्शन एक्स टू वाई एंड ऑल्सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एक्स इज सेड टू बी प्री इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ द एलिमेंट वाई। या हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर एक्स इज द प्री इमेज एंड वाई इज द इमेज ऑफ द फंक्शन। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज। ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इन विच एक्स द सेट एक्स रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड वाई रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, दोज एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द डोमेन एलिमेंट्स आर सेट टू बी रेंज। जो एलिमेंट एक्स के एलिमेंट या डोमेन के एलिमेंट से अटैच होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे हमारे रेंज कहलाते हैं। जो सेट आपके पास एक्स है वो आपका डोमेन कहलाता है और जो सेट आपका वाई है वो आपका कोडोमेन कहलाता है। जो एसोसिएट एलिमेंट होते हैं एक्स के वाई के साथ वो आपके रेंज कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इन विच वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स आपका क्या है, इधर एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। जैसे हमने रिलेशन को डिफाइन किया था रोस्टर फॉर्म में, सेगमेंट फॉर्म में, एरो डायग्राम में या ऑर्डर पेयर बनाए थे, वैसे ही हम फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में और एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ फंक्शन। तो देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। नंबर वन है आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, जहां आपके पास रियल वैल्यूज रहेंगी। नंबर सेकंड रहेगा पॉलीनोमियल फंक्शन, जहां आपके पास ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या क्यूबिक पॉलीनोमियल भी हो सकता है आपके पास। नेक्स्ट रहेगा आपके लिए रेशनल फंक्शन, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रहेगा, जहां पे न्यूमरेटर में भी फंक्शन होगा आपके पास और डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा। फिर नेक्स्ट वन होगा आपके पास ऑड फंक्शन और एट द लास्ट आपके लिए होगा इवन फंक्शन। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एन एक नेचुरल नंबर का रिलेशन है आर पे डिफाइंड ऑन एन। आर इज इक्वल टू एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर है सच दैट वाई इज इक्वल टू टू एक्स वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। देन क्या करना है, डोमेन बतानी है, कोडोमेन रेंज एंड रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्स ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, जहां एक्स हमारे पास डोमेन का एलिमेंट होता है और वाई हमारे पास कोडोमेन का एलिमेंट होता है जो रेंज कहलाता है। तो एक्स आपको क्या गिवन है, नेचुरल गिवन है, यानी डोमेन भी आपके पास क्या है, डोमेन भी एन है यानी नेचुरल है और वाई भी आपके पास एन का एलिमेंट है यानी कोडोमेन यानी रेंज भी हमारे पास क्या है, नेचुरल है। तो सबसे पहले डोमेन भी नेचुरल आती है और कोडोमेन भी आपके पास नेचुरल आती है। अब ये कहते हैं रेंज के बारे में, रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो आपको कंडीशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x, तो जहां x हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं x को 1 2 3 4 1 रखते हैं तो 2 आती है वैल्यू, 2 रखें तो क्या आएगी 4, 3 रखें तो क्या आएगी 6, 4 रखें तो क्या आएगी 8। तो इस प्रकार से y की वैल्यू हमारे पास इवन आती है, यानी रेंज क्या आ जाती है आपके पास सेट ऑफ इवन नेचुरल। तो रेंज हमारे पास क्या आ गई सेट ऑफ इवन नेचुरल। यदि हम इसको क्या है फंक्शन है तो एरो डायग्राम जब हम रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1 एसोसिएट किससे है 2 से 2 4 से 3 6 से, यानी x का इन डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट है। यूनिकली का मीनिंग है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सेम अटैच नहीं है, ठीक है। सभी एलिमेंट चीज क्या है आपके पास इमेजेस हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है फंक्शन है। तो सेकंड में है हमारे पास ये कहता है x आपको सेट है 1 2 3 4, y है आपके पास 2 4 6 8 10 8 10 एंड 12। ये कहता है भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, ये बताओ क्या है फंक्शन, फर्स्ट बनता है सेकंड फंक्शन है नहीं थर्ड है नहीं। तो हमने इसमें 6 पार्ट को उठाया है, 6 है आपके पास 1 की इमेज 8, 2 की 8, 3 की 8, 4 की 8 भी, तो 1 2 3 4 एंड 2 4 6 8 10 12। तो सबसे पहले जहां हमने डेफिनेशन में बताया तो नॉट टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, किन्हीं दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहां 1 की इमेज 8, इट मींस सेकंड सेम हो सकता है लेकिन फर्स्ट सेम है नहीं होना चाहिए। तो यहां सभी का सेकंड सेम है, यानी सभी की यूनिक इमेजेस हैं, सभी एसोसिएट हैं वाई के एलिमेंट के साथ, तो ये हमारा फंक्शन बनाता है। रिमेनिंग बेटा आप चेक कीजिए, ठीक है, ऐसे ही एक डेफिनेशन जो हमने बताई है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में, एक मैपिंग गिवन है एक्स से वाई पे, जहां पे सेट एक्स है 1 3 5 7 और वाई है 0 2 13। फिर कहता है अभी हमें फाइंड एलिमेंट ऑफ एफ इफ एफ के एलिमेंट बताने हैं, यदि आपके पास कंडीशन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1, यानी एक्स को हम यहां से पुट करें वाई की वैल्यू उधर से चेक करें हम। जब हमने x को 1 पुट किया, 1 पुट करते हैं x को 2 1 2 -1, यानी क्या मैपिंग आती है 1 1, 2 पुट 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5, ऐसे 5 पुट किया यहां आएगा 9 एंड 7 पुट किया तो ये हमारे पास क्या रहेगा 13। ओके, तो ये मैपिंग हो जाएगी हमारे। था फोर्थ में है, ये कहता है f be a function from x to y, fx is defined as 4x² प्लस 2x-3। आपको क्या बताना है, f2 की वैल्यू बतानी है, f-1 बताना है, fa बताना है, f of 1। हाउ वी रीड दिस, कैसे रीड करते हैं f of 1। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, फोर्थ पार्ट को निकाले बेटा, हमने f1 की वैल्यू निकाली है, बाहर हमने f रखा f1 भी, ओके f रखा है एज इज, f1 की वैल्यू कहां आएगी ये फंक्शन से आएगी जो मैपिंग है, यानी इसमें क्या पुट करते हैं 1 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। देखो ये रखा हमने f एज इज हमारा बाहर, यहां से वैल्यू क्या आई 4 टू 6 माइनस 3, यानी वैल्यू क्या आती है इधर से 3 आती है, यानी किसकी वैल्यू f of 1 f 3 के इक्वल है, किसके इक्वल है f 3 के इक्वल है, तो फंक्शन में 3 फिर रख दो x की जगह 3 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू सोल्व होने पर क्या आती है 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, यहां आएगा आपके पास 39। तो फोर्थ पार्ट को हमने पहले निकाल दिया, ये 39 आ गया है, f2 निकाला है ऐसे ही x को 2 पुट कर दो अभी, ओके f माइनस 1 निकालना है x को हम क्या रख रहे हैं माइनस 1 रखते हैं, f a निकालना है x की जगह पुट कर दे a पुट कर दे, ओके बेटा आ रहा समझ में। इस बेस पे आपका नेक्स्ट आगे 3 से 4 मार्क्स का सुनाएगा टेस्ट में या एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम होगा इसी बेस से, ओके नेक्स्ट आपके पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, आपके एग्जाम में 101% होगा, फेस करोगे आप यदि आपको कोई मैपिंग गिवन है और आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है, ओके और फंक्शन की कंडीशन बताएगा विच टाइप ऑफ फंक्शन हेयर इट इज, या तो लीनियर होगा क्वाड्रेटिक होगा जो भी होगा, मतलब मैपिंग है 1 पे 1 2 पे 3 0 पे -1 -1 पे -3 बी ए लीनियर फंक्शन, विच टाइप ऑफ दिस इज फंक्शन लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यूबिक डिग्री 3। यस, तो लेट फंक्शन को मान लें एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बी ए लीनियर फंक्शन नंबर 1 इक्वेशन। फिर कहता है आपने ऑब्जर्व किया जो मैपिंग में है, यानी जो स्टार्टिंग एलिमेंट हमारा डोमेन का होता है और सेकंड कोडोमेन का होता है, तो रेंज क्या लगता है, यानी f1 की वैल्यू 1 की 1 है, बी f1 इज इक्वल टू 1, तो यहां f1 की वैल्यू क्या आएगी बोलो आपके पास, f1 की वैल्यू क्या आएगी यहां रखेंगे तो 1 आएगी, यानी 1 रख दिया हमने,
इधर से क्या आएगा ए प्लस बी ऐसी में वन पुट किया तो एक इक्वेशन आई आपके पास। फिर कहता है ये भी ले सकते थे हम, नो प्रॉब्लम, हमने इसको लिया क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कहता है भी जीरो पे माइनस वन है, जीरो एस की वैल्यू है और एफ ये एफ माइनस वन की वैल्यू है तो जीरो रखते हैं एफ जीरो तो यहाँ पे माइनस वन आता है, रखो भी जीरो रखे तो क्या आएगा माइनस वन, माइनस वन इधर से जीरो रखे क्या आया आपके पास बी आया। ओके, और दोनों वैल्यू को ए और बी को हमने जो फंक्शन हमने स्टार्ट लेट किया था उसमें पुट कर दिया, ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू माइनस वन, देयरफॉर एफ एक्स क्या करता है टू एक्स माइनस वन। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लास्ट है हमारा वीडियो का ऑड एंड इवन फंक्शन। फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन वी हैव टू चेंज एक्स टू माइनस एक्स। भी ऑड और इवन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स को माइनस एक्स रखना होता है। यदि माइनस एक्स रखने के बाद उसकी वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, इट मींस रिमेन सेम ज्यों की त्यों रहती है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। ओके, यदि उस टोटल वैल्यू से या फंक्शन की जो मैपिंग है उससे माइनस वन बाहर आ जाता है तो हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। जैसे अटेम्प्ट करते हैं, फर्स्ट है थ्री एक्स फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, एक्स को माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स पुट करते हैं माइनस एक्स की पावर फोर, ये सभी इवन वैल्यू आएंगी हम इधर से, यानी कोई चेंज नहीं है स्टार्टिंग वाले फंक्शन से, एज इट इज रिलेशन है हमारा, चेंज नहीं आता तो वही वापिस एफ एक्स ही बन गया। ये कैसा फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन। मॉडुलस एक्स है, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो चेंज, इवन फंक्शन। इट इज दिस फंक्शन इज रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका बिहेवियर बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस साइन इज रिप्रेजेंटेड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस आर द रिप्रेजेंटेड फॉर मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, तो ये आपके पास न ही तो नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, तो न आपका ऑड है और न ही इवन है। आगे सुन में, ओके आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी हाजिर होंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।